आज हम बना रहे हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू खाना तो सबको लगभग बहुत ही पसंद है और इसे हम बनाएंगे बाहर से, हमें मिल्कमेड लाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार इस तरीके से आप बनाएंगे ना नारियल के लड्डू, तो बाकी सब तरीके आप मुझे गारंटी है कि भूल जाएंगे। इतने बढ़िया से लड्डू और बहुत ही कम समय में और झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और किचन हांडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करिएगा, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साइड में जो घंटी है उसे आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है। आप जो भी दूध का इस्तेमाल करते हैं ना, आप वो दूध ले लीजिए। और हमें दूध को गर्म करना है, यानी बॉयल करना है हाई फ्लेम पे, और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि दूध है ना वो नीचे लगे नहीं। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, और चीनी को अच्छे से इसके अंदर ना घुलने मिलने देंगे और ना हमें इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि जो दूध है वो आधा ना हो जाए। हमने गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखा है, दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है ना पक पक के गाढ़ा ना हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा इसे हमें नहीं करना है, आधा जब हो जाएगा दूध ना उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो दूध है ना धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है और दूध आधे के लगभग हो गया है, उससे भी कम हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा और गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और 2 मिनट इसे और पकाना है। ज़्यादा गाढ़ा इसे हमें नहीं करना है, यानी हम ये ना मिल्कमेड बना रहे हैं, होम मेड मिल्कमेड। आपको जब भी किसी रेसिपी के लिए भी मिल्कमेड चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। तो चलिए अब हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी है। तो अभी जब ये ठंडा होगा ना तो अब ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जब थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा है ना तभी मैंने गैस बंद कर दिया है। चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। एक बड़ा चम्मच हमने घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, यानी नारियल का बुरादा, वो हमने लिया है। यानी कि जो सूखा नारियल है ना उसको आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में पीस करके आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ना मार्केट से भी ला सकते हैं। इसको 2 मिनट हमें कम आंच पे हमें इस तरीके से भून लेना है। चलिए अपना गैस का फ्लेम बंद करके इसे हमने नीचे उतार लिया है और जो हमने मिल्कमेड बनाया है ना वो आधा कप मिल्कमेड हम इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सैफ्रन मिल्क है, यानी जो दूध है उसके अंदर मैंने थोड़े से सैफ्रन के धागे डाल दिए थे, वही ये सैफ्रन मिल्क बन गया। और इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यदि आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा गीला है तो आप ना इसमें चाहें तो सूजी जो है ना उसको भून के थोड़ा डाल सकते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है मुझे बराबर लग रही है। तो हमने एक पैन में ना थोड़ा सा घी लिया है 1/4 चम्मच के लगभग और इसमें 2 बड़े चम्मच हमने काजू और 2 बड़े चम्मच बादाम डाल दिया है। इसको ना हम ना हल्का सा भून लेंगे। तो चलिए इसमें ना अभी मैंने 1 बड़ा चम्मच ना पिस्ता भी डाल दिया है, पिस्ता डालना मैं भूल गई थी। इसको भी हम 1 मिनट और भून लेते हैं। इन सब के साथ में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 3 इलायची जिससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और इस तरीके का दरदरा पीस लेंगे। साथ हमने ना ये खजूर लिए हैं जिसके बीज हमने निकाल दिए थे, इसको भी साथ में पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया सा पीस गया है और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बाइंड भी हो रहा है, तो यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पैन में ना हमने ये काजू बादाम हमने फ्राई किए थे उसी पैन में मैंने इस मिक्सचर को निकाल लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने जो नारियल और जो मिल्कमेड का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो मैंने इसमें डाल के अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारे नारियल के लड्डू की जो स्टफिंग है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके हम ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, नींबू के आकार से भी छोटे छोटे बॉल्स हमें बनाने हैं इस लड्डू के लिए। तो हमारे लड्डू एक ही साइज़ के बने तो मैंने माप के लिए ये चम्मच लिया है और मिक्सर को इसमें डाल दिया है। हाथ में इस तरीके से पलट लेंगे और उसी चम्मच का जो पीछे वाला पार्ट है ना उससे हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि हमें स्टफिंग डालने के लिए जगह मिल जाए। तो हमने इस तरीके से इसको प्रेस करके जगह बना ली है, स्टफिंग को इसके ऊपर रख लेंगे और ये जो हमारे नारियल का मिक्सचर है ना उससे इस समय अच्छे से कवर कर देंगे। आप एक बार बनाएंगे ना तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा और इसको हमें इस तरीके से ना स्मूथ कर लेना है, लड्डू का शेप दे देना है
और ये आप देख सकते हैं हमारे नारियल के लड्डू कितने बढ़िया और कितने खूबसूरत से बन के तैयार हुए हैं। कोई फेस्टिवल हो और आपको ना नारियल के लड्डू बनाने का मन कर रहा है तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे जो लड्डू हैं वो बना के रेडी कर लिए। तो चलिए इसके ओर ना थोड़ा सा कोट कर लेते हैं हम नारियल के बुरादे के साथ में, और मैंने इसमें थोड़े से सैफ्रन के धागे भी डाल दिए हैं जिससे हमारे जो नारियल के लड्डू है ना देखने में बिल्कुल हलवाई जैसे लगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नारियल के लड्डू कितने बढ़िया से बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे के सारे जो नारियल के लड्डू है ना उस पर नारियल और सैफ्रन कोट कर लेंगे और ये हमारा नारियल का लड्डू हो गया है बिल्कुल रेडी। चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि जो इसकी स्टफिंग है ना बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुई है। तो अब आपको जब भी लड्डू बनाने का मन करे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाती हूँ इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना बहुत ही लाजवाब बनके रेडी हुई है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो नारियल का लड्डू है ना वो बनके रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।